Hello friends, welcome to Education Wave. Today we are going to study about sexual reproduction in flowering plants, part 1. So let's start guys. So what is flower? हम पढ़ने जा रहे हैं कि sexual reproduction in flowering plant, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is flower. So थोड़ा सा इसके बारे में briefly थोड़ा जान लेते हैं. So definition. Flowers are morphologically and embryologically marvels and are the sites of sexual reproduction in angiosperm. So they are the site of sexual reproduction in angiosperm. ये आपको याद रखना है कि जो flowers होते हैं वो sexual reproduction के site होते हैं. एक तरह से एक ऐसी site है जहाँ पे sexual reproduction होती है, जिसकी help से होती है, जिसकी वजह से flower जो होता है वो fruit में convert हो पाता है. So, a typical angiosperm flower consists of holes of floral appendages attached on the receptacle. So, इमेज से थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं. So, यहाँ पे दिख रहा है that this is receptacle. जो angiosperm flower होता है उसके जो parts होते हैं वो सारे किससे अटैच्ड होते हैं? रेसिप्टेकल. ये जो ग्रीन स्टॉक दिख रही है उससे अटैच्ड होते हैं. सो इसके फोर पार्ट्स हैं कौन से? तो फर्स्ट वन है कैलिक्स, सेकंड वन इज कोरोला, एंड द थर्ड वन इज एंड्रोशियम, एंड द लास्ट वन फोर्थ वन इज गाइनोशियम. सो कैलिक्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेपल्स. जो ये ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स, एंड इन दोनों को मिला के हम इन्हें बोलते हैं कैलिक्स. एंड दे आर नॉन असेंशियल. कंसिस्ट ऑफ सेपल्स को कंसिस्ट करके कैलिक्स बनाए. वैसे ही कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स. जो पेटल्स होते हैं इन सब को कंसिस्ट करके कोरोला, हम द कंसिस्ट ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, एंड दे आर ऑल्सो नॉन असेंशियल. सो नॉन असेंशियल नहीं समझ आ रहा, अभी थोड़ा वेट कीजिए. सो थर्ड वन है एंड्रोशियम. सो कंसिस्ट ऑफ स्टैमिन. स्टैमिन ये जितने भी स्टैमिन्स हैं इनको कंसिस्ट करके हम इन्हें बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड दे आर असेंशियल. एंड द फोर्थ वन इज गाइनोशियम. कंसिस्ट ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम, एंड इट इज ऑल्सो असेंशियल. सो कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला के बनता है कार्पल. दिस वन इज स्टिग्मा. इस पार्ट को बोला गया है स्टिग्मा, और ये लॉन्ग स्टॉक इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसे बोलते हैं हम ओवरी. इन तीनों को मिला के ये फीमेल पार्ट होता है. दिस वन इज नोन एज फीमेल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं कार्पल. और स्टेमन, एंथर और फिलामेंट, इसे बोला गया है एंथर, और ये लॉन्ग स्टॉक जिसे बोलते हैं हम फिलामेंट. और याद रखिए जो स्टैमिन होता है वो किससे अटैच्ड होता है? यहाँ जो रेसिप्टेकल है, जो ये रेसिप्टेकल है उसी से अटैच्ड होता है. ओके, सो स्टैमिन्स कोई अलग से नहीं है, इसमें फ्लावर में ही अटैच्ड होते हैं. सो गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल विच इज़ ऑल्सो असेंशियल. सो असेंशियल, नॉन असेंशियल, वॉट इज़ दैट? सो जब फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो आपने फ्रूट में कोई सेपल नहीं देखा होगा, या फिर कोई पेटल भी नहीं देखा होगा. सो इसका रीज़न है बिकॉज दे आर नॉन असेंशियल. हमें पेटल्स और सेपल्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ फीमेल गैमेट और मेल गैमेट की ज़रूरत होती है, जो कि हैं हमारे स्टेमिन और कार्पल. ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और इनकी हेल्प से फ्रूट फॉर्मेशन होती है, और हमें पेटल्स और सेपल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती जब फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है. इसलिए ये नॉन असेंशियल हैं, ये रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह हेल्प नहीं करते. जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जैसे कि मेल गैमेट स्टैमिन और फीमेल गैमेट कार्पल, ये ही असेंशियल होते हैं. ओके, सो हमारा फ्लावर का सेशन यहीं ख़त्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं. सो द टॉपिक इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के लिए तीन इवेंट्स की ज़रूरत होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, एंड द लास्ट वन था पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स,
फिर फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, इनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ें पढ़ेंगे। सो प्री फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स और इसके स्ट्रक्चर जितने भी हैं वो पढ़ते हैं हम। सो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट एंड्रोशियम और जो फीमेल पार्ट होता है वो गाइनोशियम। मेल पार्ट स्टैमिन एंड द फीमेल पार्ट इज कार्पल। ओके, सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टैमिन के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड द लास्ट वन है ये पोलन ग्रेन। स्टैमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। सो स्टैमिन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये रही इसकी इमेज। सो यहाँ ये जो इमेज है ये है स्टैमिन की इमेज। सो ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोला गया है एंथर, और जो इससे अटैच्ड है उसे बोला गया है फिलामेंट। सो एंथर, इट इज़ अ टर्मिनल बायलॉब्ड स्ट्रक्चर। बायलॉब मीन्स दिस वन इज फर्स्ट लॉब एंड दिस वन इज सेकेंड लॉब, इसीलिए हमें इसे बोला गया है बायलॉब्ड स्ट्रक्चर। और ये है फिलामेंट, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो इससे अटैच्ड है इसे बोलते हैं हम फिलामेंट, और इन दोनों को मिला के बनता है पूरा स्टैमिन। सो ये रहा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है इसका, ये रहा पहला लॉब और ये रहा हमारा सेकेंड लॉब। सो फिलामेंट, इट इज़ अ लॉन्ग स्टॉक सिलेंडर, सिलेंडर स्टॉक एंड इट्स प्रॉक्सिमल एंड रिमेन्स अटैच टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। और इसका जो एंड होता है वो फ्लावर से अटैच होता है, ये हमने पढ़ा था, या तो पेटल से या फिर थैलेमस से। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर। एंथर के स्ट्रक्चर इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो अ टिपिकल एंथर इज बायलॉब्ड, हमने पढ़ा था कि जो टिपिकल जो एंथर होता है वो बायलॉब्ड होता है। ये रहा हमारा पहला लॉब और ये रहा हमारा सेकेंड लॉब, एंड द टू एंथर लॉब्स आर सेपरेटेड बाय अ ग्रूव इन फ्रंट एंड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय अ बैंड ऑफ वस्कुलर स्टेराइल टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। और इनको अटैच करने के लिए एक टिश्यू की हेल्प पड़ती है जिसे बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू, जिसे बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है इसे बोलेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। सो ईच एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल लोकेटेड एट कॉर्नर्स टू इन ईच लॉब, हैंस अ मैच्योर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजियम। सो इसका क्या मतलब है, एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल। सो यहाँ इमेज में क्लियर है कि ये पहला लोब है और ये वाला हमारा सेकेंड लोब है, और इसके अंदर जो यहाँ कॉर्नर्स पे ये वाली चीज एंड यहाँ पे जो चार ये जो ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, तो ये हैं हमारे इन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो लॉब होते हैं, दिस इज लॉब, फर्स्ट लॉब सेकेंड लॉब, इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा एंड यहाँ पे तीसरा, हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म्स पोलन सैक्स विच ऑन मैच्योरिटी बिकम फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स। और जो मैच्योरिटी पे यहाँ पे ये चीज जो होती है पोलन ग्रेन से भर जाती है मैच्योरिटी पे। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हमें डिटेल में भी पढ़ना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एंथर का स्ट्रक्चर होता है जो बायलॉब्ड होता है, और इसके अंदर ये चार, हर लॉब के अंदर एक नहीं, हर एक लोब के अंदर दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो कि पोलन सैक की फॉर्मेशन करते हैं मैच्योरिटी पे, और जब मैच्योरिटी हो जाती है तो उसमें पोलन सैक्स और पोलन ग्रेन्स फिल्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहली बात है माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो इमेज की हेल्प से समझते हैं, बताया था दैट ये रहा हमारा फर्स्ट लॉब और ये रहा हमारा सेकेंड लॉब, और ये वो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू जिसकी हेल्प से ये कनेक्ट होते हैं, ये दोनों लॉब कनेक्टेड होते हैं।
और ये जो होता है हमारा होता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स। तो जो एंथर की वॉल होती है वो चार लेयर से मिलके बनती है। सो बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। सेकेंड जो लेयर है ये रही सेकेंड लेयर, इसे बोलते हैं हम एंडोथीशियम। सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स अराइजिंग फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल विच हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर ड्यू टू देयर हाइड्रो, दिस इज हाइड्रो, हाइड्रोस्कोपिक नेचर। सो डिटेल में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये जो लेयर होती है इसे ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबर बैंड से बनी होती है, जो कि एंथर जब टूटता है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, स्टेमन पोलन ग्रेन्स इकट्ठा करता है, और जब ये मैच्योरिटी हो जाती है तो जो एंथर होता है वो डिहाइजेंस होता है और उसमें ये हेल्प करता है। सो इसका मेन यूज़ होता है वैसे प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, जो एपिडर्मिस एंडोथीशियम और जो मिडल लेयर है वो मेनली प्रोटेक्शन में ही हेल्प करती है। मिडल लेयर थर्ड वन इज मिडल लेयर, सो इट इज़ 1, 2, 3 लेयर, इट डीजनरेट्स एट मैच्योरिटी। ये भी 1 से लेकर 3 लेयर तक होती है किसी किसी जो एंडोशियम फ्लावर्स होते हैं उसमें एंथर में, एंड इट डीजनरेट्स एट मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी पे ये डीजनरेट हो जाती है। और टेपिटम इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल विच सराउंड्स द स्पोरेंजियस टिश्यू। सो ये एक न्यू वर्ड आया स्पोरोजिनस टिश्यू। सो व्हाट इज़ दैट, फिर से समझते हैं। ये जो होता है हमारा एंथर विच इज़ बायलॉब्ड, बायलॉब्ड एंथर में 2 माइक्रो स्पोरेंजियम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ओके, ये होता है पहले एंथर, देन हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, देन हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। पहले बायलॉब्ड स्ट्रक्चर एंथर का, देन हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। सो यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। ओके, सो जो टेपिटम होता है वो नरिशमेंट में हेल्प करता है, इसका जो मेन मोटिव होता है ये नरिशमेंट में हेल्प करता है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, और ये इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर वॉल की। सो फर्स्ट वन है हमारा एपिडर्मिस, जो कि प्रोटेक्शन में ही हेल्प करता है। एंडोथीशियम, ये भी प्रोटेक्शन में ही हेल्प करता है, और मिडल लेयर भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। बस जो टेपिटम होता है वो नरिशमेंट में हेल्प करता है, ये हमें बस इतना समझने की इस चैप्टर में ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC पोलन मदर सेल्स। एज डेवलपमेंट अकर्स इन द एंथर द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती कैसे है इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैज़ कैपेसिटी टू गिव राइज टू अ टेट्राड, हैंस ईच शेल इज अ पोटेंशियल पोलन और PMC। एज द एंथर मैच्योर्स द माइक्रोस्पोर्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू अ पोलन ग्रेन्स। सो मैंने पहले भी बताया था, इसे में इससे समझते हैं। ये हमारा है बायलॉब्ड स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट लॉब, ये सेकंड लॉब, और इसके अंदर होता था माइक्रोस्पोरेंजियम, ये रहा मान लीजिए माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड इसके अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यूज। ओके, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC। सो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोर जो कि पोलन ग्रेन्स मतलब बनेंगे आगे चल के,
फ्रॉम PMC पोलन मदर सेल्स की हेल्प से एज डेवलपमेंट अकर्स इन द एंथर. जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं ये अंडरगोज मियोसिस. इनका ये मियोसिस के अंडरगो जाएंगे टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. कैसे बताती हूँ. ये माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि डिप्लॉयड होते हैं, दे आर स्पोरोजिनस टिश्यूज. ओके, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन दे अंडरगोज मियोसिस. देन मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होती है, सो दो, देन दो से चार, सो दे फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड और ये सेपरेटली पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाएंगे हमारे फोर माइक्रोस्पोर टेट्राड. सो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैज़ कैपेसिटी टू गिव राइज टू अ टेट्राड. सो हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो चार माइक्रोस्पोर या फिर टेट्राड, इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेट्राड मीन्स होता है फोर. सो एक स्पोरोजिनस टिश्यू से चार पोलन ग्रेन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेट्राड. So hence each cell is a potential pollen or PMC. As the anther matures, the microspores gets detached from each other and develops into a pollen grains. Okay, and sporogenous tissue हमने पहले पढ़ लिया था कि when the anther is young, जब anther young होता है, एक compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. So यहाँ पे दिख रहा है that this is माइक्रोस्पोरेंजियम और इसके अंदर ये रहा वो स्पोरोजिनस टिश्यू, इसे हम बोलते हैं पीएमसी. ओके, सो फर्स्ट मियोसिस हुई तो ये दो में डिवाइड हुआ, देन सेकंड मियोसिस हुई तो ये चार में डिवाइड हुआ एंड इनका ये पोलन ग्रेन सेपरेट हो गए. और ये पोलन ग्रेन ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन ये ऐसा दिखता है. इसका स्ट्रक्चर है ये थिक आउटर स्कल्पचर्ड वॉल है एंड अंदर ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज पोलन ट्यूब न्यूक्लियस. इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पोलन ग्रेन के मैच्योरेशन के बारे में. ओके, अभी आपको माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजेनेसिस का मेन प्रोसेस समझना था जो कि हमें समझ आ गया है. ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज पोलन ग्रेन्स, यहाँ हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में. सो पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमीट एंड आर स्फेरिकल हैविंग अ लॉन्ग लेयर्ड वॉल. पोलन ग्रेन्स का मेनली जो स्ट्रक्चर होता है उसके हैविंग टू लेयर्ड वॉल, इसकी दो लेयर्ड वॉल होती हैं. एक होता है एक्साइन जो कि आउटर मोस्ट होता है और एक होता है इंटाइन जो कि इनर मोस्ट होता है. सो जो बाहर वाला जो इसका लेयर होता है वो हार्ड लेयर होता है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बना होता है. ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नीट में भी आता है. ओके, सो हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. पूछा जाता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इतनी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में, एसिडिक में, अल्कलाइन कंडीशन में और कैसे स्टैंड कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, बिकॉज इसके टिश्यू की हेल्प की वजह से ही वो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, पोलन ग्रेन्स ख़राब नहीं होते. सो इसकी वजह होती है स्पोरोपोलिनिन विच इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, एसिडिक, अल्कलाइन कंडीशन एंड एंजाइम्स. ओके, सो हार्ड जो लेयर होती है वो बनती है पोलन ग्रेन्स की, जो बनती है उसे बोलते हैं हम स्पोरोपोलिनिन. अब है इंटायर जो अनर इंटाइन जो है हमारी इनर लेयर, दिस इज थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. ये जो लेयर होती है वो हमारी बनती है सेलुलोज एंड पैक्टीन से. मैच्योर पोलन ग्रेन्स कंटेन्स टू सेल्स. सो हमने पढ़ लिया कि इसके कितने लेयर्ड वॉल होते हैं. अब हमें पढ़ना है कि जब मैच्योर हो जाता है पोलन ग्रेन्स तो कंटेन्स टू सेल्स, तो इसके अंदर दो सेल्स होते हैं. सो फर्स्ट होता है वेजिटेटिव सेल, लार्ज विद इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन फूड रिजर्व. जो वेजिटेटिव सेल होता है उसमें सबसे पहली बात होती है वो बहुत लार्ज होता है. यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि साइज़ के कंपैरिजन में ये बड़ा है. सो जो वेजिटेटिव सेल होता है वो लार्ज होता है और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है इसका, ये रहा उसका इरेगुलर न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स
फूड रिजर्व्स, और इसके अंदर जो फूड रिजर्व्स होता है वो कंटेन होता है, और जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव जो सेल होता है वो फ्लोट करता है और ये बहुत स्मॉल होता है। सो हमने इसके बीच में डिफरेंस देख लिया। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल स्टेज, वाइल इन अदर जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स होता है वो टू सेल स्टेज में होता है। ये फर्स्ट, ये भी टू सेल स्टेज है, पहली सेल जनरेटिव और ये सॉरी वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, इसे बोलेंगे हम टू सेल स्टेज। वाइल इन अदर्स, और बाकियों में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है वो माइटोसिस, इट अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स, और ये तीन सेल स्टेज के नाम से जानी जाती है। सो जो जनरेटिव सेल होता है इट अंडरगोज माइटोसिस, और जिसकी हेल्प से दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और जब ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं थ्री सेल स्टेज, लेकिन इस पिक्चर में हम देख रहे हैं टू सेल स्टेज। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स आफ्टर दे आर शेड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड इट रेंजेस फ्रॉम 30 मिनट टू फ्यू मंथ्स। सो वायबिलिटी जो होती है पोलन ग्रेन्स कितने टाइम तक ख़राब नहीं होते, सो इनकी जो वायबिलिटी होती है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। हर एक पोलन ग्रेन की अलग अलग वायबिलिटी पीरियड होता है। सो इट रेंजेस फ्रॉम 30 मिनट, किसी की होती है 30 मिनट में ही वो ख़राब जाते हैं पोलन ग्रेन्स, एंड टू फ्यू मंथ, और कुछ कुछ फ्यू मंथ तक भी उनकी वायबिलिटी चलती रहती है। सो आगे पढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। सो फर्स्ट वन है पोलन एलर्जी, सेकंड पोलन प्रोडक्ट, एंड द थर्ड वन इज़ पोलन वायबिलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं। सो पहले पढ़ेंगे हम पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन्स से होने वाली एलर्जी, इनका भी हमें पता होना चाहिए। सो पोलन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एलर्जीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो स्टेट्स हैं उनमें ये बहुत ही कॉमन कॉज एलर्जीज का, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ही कॉमन कॉज है। सो पोलन इज़ अ वेरी फाइन पाउडर प्रोड्यूस्ड बाई ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रासेस एंड वीड्स इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज अदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एंड मैनी पीपल्स हैव एन एडवर्स इम्यून रिस्पॉन्स वैन दे ब्रीथ इन पोलन। द इम्यून सिस्टम नॉर्मली डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल इन्वेडर्स सच एज वायरसेज एंड बैक्टीरिया, एंड टू वार्ड ऑफ इलनेस इन पीपल विद पोलन एलर्जीज, द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज द हार्मलेस पोलन एज अ डेंजरस इंट्रूडर एंड बिगिन टू प्रोड्यूस केमिकल्स टू फाइट अगेंस्ट द पोलन। सो दिस इज नोन एज एन एलर्जिक रिएक्शन, एंड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोलन दैट कॉजेज इट इज नोन एज एलर्जन, एंड द रिएक्शन लीड्स टू न्यूमरस इरिटेटिंग सिम्टम्स सच एज स्नीजिंग, स्टफी नोज एंड वॉटरी आइज। सो पोलन एलर्जी के ये सब कॉजेज थे। सो जो पोलन एलर्जी, जब हम पोलन को हमारी बॉडी में जब पोलन जब एंटर होती है तो हमारी जो बॉडी होती है उसे वो हमें पता है कि वो हार्मलेस है, बट बॉडी को वो नहीं पता होता, इसलिए वो केमिकल्स प्रोड्यूस करने लग जाती है उसके अगेंस्ट, इसे बोलते हैं हम एलर्जिक रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। और जो पोलन ग्रेन्स इस टाइप के स्पेसिफिक टाइप ऑफ ये जो एलर्जीज प्रोड्यूस करते हैं इनको बोलते हैं हम एलर्जन, एंड द रिएक्शन जो इस रिएक्शन की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है स्नीजिंग, स्टफी नोज एंड वॉटरी आइज। ओके, सो पोलन प्रोडक्ट, कुछ कंट्रीज में जो पोलन ग्रेन्स होती हैं एज अ प्रोडक्ट, एज अ सप्लीमेंट ली जाती हैं। सो द यूज ऑफ बी पोलन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s फॉलोइंग टेस्टिमोनियल्स बाय एथलीट्स दैट सप्लीमेंटेशन विद दिस प्रोडक्ट इंक्रीज स्टैमिना एंड इम्प्रूव एथलेटिक एबिलिटी।
जो पोलन ग्रीन्स होते हैं उनका यूज़ 1970s में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। ये एथलीट्स जो भी जितने भी एथलीट्स थे ये एज अ फूड सप्लीमेंट इस प्रोडक्ट को लेने लग गए थे, जिसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी थी वो इम्प्रूव हो रही थी, उनका जो स्टेमिना था वो इंक्रीज़ हो रहा था। सो बी पोलन हैज़ बीन यूज इन सर्टेन कल्चर for thousands of years but has become increasingly popular over recent years and recognized for its potential health benefit. It has been traditionally used for a variety of purposes including relief of constipation, treatment of prostatic conditions such as prostatitis and benignant prostatic hyperplasia and prostate cancer, wound healing and for its proposed antioxidant actions also. Okay? सो पोलन वायबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं कि हर एक पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है वो डिफर करती है, वैरी करती है। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट है तो दूसरे की भी उतनी होगी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हर एक की वैरी करती है जो वायबिलिटी होती है, कुछ की मिनट्स तक होती है, कुछ की मंथ तक होती है और कुछ की पोलन ग्रेन्स की ईयर्स तक भी होती है। So, pollen viability refers to the ability of the pollen to perform its function of delivering male gamete to the embryo sac. And pollen viability varies between minutes and years, and which primarily depends on the taxonomic status of the plant and on the abiotic environmental condition. In order to maintain the viability and fertilizing ability of the plant for a pollen for a long period of time, special storage conditions are needed. So, viability ko banane ke liye storage conditions bhi important hote hain. Okay? So, thank you guys for watching my video. And if you like my video, please subscribe, like and comment also. Thank you so much.